जिला विकास मंच की संगठन से मैं बहुत दिनों से जुड़ी हुई है और उनसे मैं काम करना सीखी हूँ और मैं जानती हूँ कैसे काम किया जाता है। वहाँ पे जितने सारे समस्याएं होंगे, नली गली समस्याएं जो होगी, चूंकि ये हमसे जुड़ी हुई है, किसी भी मोहल्ले, अब हर व्यक्ति हम तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अब शायद डॉक्टर नीलम गुप्ता तक पहुँच जाएगा अगर इनकी जीत होती है। तो उससे क्या है ना सिर्फ हम गली नाली रोड साफ करेंगे, हम समाज की गंदगियों को साफ करने का काम तो महिला विकास मंच कर रही है। अगर ये हम आ जाएंगी तो हमारे लिए उन सब को, भ्रष्टाचारी को बाहर निकालने में एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। पूरा पटना से सीट से लेकर दिग्गज तक का समर्थन हमको मिल रहा है। पटना के उप महापौर का जो चुनाव है उसमें बड़ा जो दिलचस्प मोड़ है वो देखा जा रहा है। बता दें आपको कि लंबे वक्त से बिहार में सक्रिय महिला विकास मंच ने अपना उप महापौर के लिए जो उम्मीदवार है उसके नाम पर मुहर लगाते हुए जो रणनीति है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि महिला विकास मंच ने जिसे उप महापौर के लिए चुना है उनका नाम नीलम गुप्ता है। नीलम गुप्ता महिला विकास मंच में 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया तब से काम कर रही है और अब नगर की सरकार में खुद को लाकर किस तरीके से जनहित के मुद्दों को आगे लाया जाए, जो जन जन है उनके काम को किया जाए, इसमें अपनी भूमिका तैयार कर रही हैं। आज फर्स्ट बिहार की टीम ने नीलम गुप्ता समेत उनके पति डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम लगातार जन भावना में जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं ऐसे में अब नगर की सरकार में हम खुद को लाकर लोगों के हित के लिए, पटना वासियों के लिए काम करना चाहते हैं। इस दौरान जब फर्स्ट बिहार की टीम ने महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष हैं वीना मानवीय उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीलम गुप्ता ने हमारे संगठन में काम किया है उसके बाद हमने सहसहमति से उनको अपना समर्थन दिया है और पटना में जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसमें हमने नीलम गुप्ता को उप महापौर के उम्मीदवार के तौर पर चुना है। सुनिए कि क्या कुछ कहा गया है नीलम गुप्ता के जो रणनीति है उसको लेकर। नीलम गुप्ता जी बड़ी जिम्मेदारी की ओर बढ़ रही हैं, कैसे इसको देखती हैं? नामांकन प्रक्रिया खत्म हुई, अब सिर्फ अपनी बातों को जन जन तक पहुँचाना है। अपनी बातों को जन जन तक पहुँचाना। मैं नीलम गुप्ता, पटना डिप्टी मेयर, मैं प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ी हूँ। मैं वीना मानवीय महिला विकास मंच के उपाध्यक्ष हूँ और महिला विकास मंच की संगठन से मैं बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ और उनसे मैं काम करना सीखी हूँ और मैं जानती हूँ कैसे काम किया जाता है। तो मैं पटना, रही बात पटना डिप्टी मेयर की बात, तो पटना डिप्टी मेयर के रूप में मैं खड़ी हुई हूँ और मैं 75 वार्ड मेरे जिम्मे जो आएंगे वहाँ पे जितने सारे समस्याएं होंगे, नली गली समस्याएं जो होगी उसको मैं पूरे अच्छे से मैं ऊपर मेयर के तक पहुँचाऊँगी और मैं उस चीज़ को पूरा कर करके मैं उनको दूंगी और उन्हीं के सहयोग से आगे तक पेपर बढ़ेगा, उससे मैं काम करूँगी। महिला विकास मंच से आप जुड़ी हैं, महिलाओं के समस्या कई है राजधानी पटना में, उन लोगों के लिए क्या तैयारी है? महिलाओं के लिए समस्या करूंगी, पूरा करूंगी। जो जो समस्या होगी मैं घर घर तक जाऊंगी और मैं पूरे अच्छे से कॉपी पेन पर लिखूंगी, सारे घर घर जा कर के समस्या को लिखूंगी और पूरा करूंगी। मानवीय जी, लगातार महिला उत्थान के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, अब अपने आप संगठन की एक महिला को आगे बढ़ा रही है उप महापौर के लिए, आपके पूरे संगठन ने आगे किया, तो क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, तैयारी इसमें कहने के लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे पटना में लगभग दर्जनों लोग आए हुए हैं उप महापौर के लिए, लेकिन चूंकि डॉक्टर नीलम गुप्ता हमारी पटना की उपाध्यक्ष रही हैं और हर वक्त उनका सहयोग जिस तरह का भी हो महिला विकास मंच में वो खड़ी पाई गई है, मतलब हमारा काम क्या पूरे देश अकेले बिना मानवी तो संगठन चला नहीं रही, तो वो एक पढ़ी लिखी महिला है, वो एक समझदार महिला है, तो हमें लगा कि और जो उनके हस्बैंड हर आज क्या है उप मेयर के चुनाव हो या मेयर के चुनाव हो, साथ में पुरुष, महिला सीट है लेकिन पुरुष तो साथ में दिख ही रहे, उसी तरह अगर उनके पति की बात की जाए डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता तो वो एक बहुत ही सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, आज से नहीं 2500 साल से उन्होंने पटना में बहुत कार्य किया और सब जानते हैं इस बात को, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, तो एक तो हमारी सदस्य के तौर पे और दूसरी एक पढ़ी लिखी होना और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो वो समझ सकती हैं, ठीक है वो अभी वोकल नहीं हो सकती हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम माइक के सामने आने पे कोई वोकल नहीं हो सकता, वो वोकल हो चाहे ना हो लेकिन दिमाग में विकास उनके रहेगा और चूंकि हमारे साथ हैं तो पटना की जनता से डेफिनेटली इतना उम्मीद तो महिला विकास मंच कर ही सकता है कि चलो ठीक है वीना मानवी और उनकी टीम ने अगर इंट्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खराब कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छी बात होगी तभी वीना मानवी और उनकी टीम सामने आएगी। बड़ा सवाल है, राजधानी पटना में आप लोगों की सक्रियता बिहार में भी दिखे, क्या वो कॉमन इशू है महिलाओं के लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है हमारा जो महिलाओं के लिए है शोषण वाला पार्ट पे अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो प्रायोरिटी पे देखिए पुरुष प्रधान देश हमारा है वो रहेगा लेकिन हम सिर्फ अब आज के डेट में सिर्फ महिलाओं पे ही बात नहीं करके पुरुषों पे भी बात करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको पता होगा कि इस गत 2021 में महिला विकास मंच ने 12 से 13 लड़कों को रेप केस से बचाया है। तो झूठे केसेस का हमारा जो अभियान चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी तमाम आज अगर डॉक्टर नीलम गुप्ता जो है तो महिलाओं का जो उत्पीड़न है उस पर महिला विकास मंच ऑलरेडी काम कर रही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ पुरुष उत्पीड़न में भी काम कर रही है। एक इनके आने से एक सपोर्ट हमें जो मिलेगा जो बहुत बड़ा सपोर्ट होगा पटना शहर के लिए चूँकि ये हमसे जुड़ी हुई है किसी भी मोहल्ले, अब हर व्यक्ति हम तक नहीं पहुँच पा रहा है लेकिन हर व्यक्ति अब शायद डॉक्टर नीलम गुप्ता तक पहुँच जाएगा अगर इनकी जीत होती है। तो उससे क्या है ना सिर्फ हम गली नाली रोड साफ करेंगे, हम समाज की गंदगियों को साफ करने का काम तो महिला विकास मंच कर रही है। तो समाज की गंदगियों को साफ करने का काम जब हम कर ही रहे हैं तो रोड गली भी साफ कर ही देंगे ना। अमूमन चुनाव के वक्त देखा गया कि लोग कहते हैं उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, बिना जी का आप लोगों ने समर्थन किया, पढ़ी लिखी है अनुभव है महिलाओं के उत्थान में काम किया, आप लोग पुरुष वर्ग के लिए भी काम कर रहे हैं तो कितना अब डिफिकल्ट होने वाला है कि एक संगठन जो कि अब तक लोगों की सेवा करता है लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है वो चुनाव लड़ रहा है? देखिए ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, जहाँ तक महिलाओं की बात है तो महिला बाय बर्न मैनेजमेंट उनकी मतलब सीखी होती है, वो हर चीज़ सामंजस्य से आगे बढ़ाती है। तो हमारे नीलम गुप्ता जी पटना में आज महिला विकास मंच जो इतना काम करती आई कहीं ना कहीं आपको वो दिखती नहीं थी बट उनका साथ होता था क्योंकि इनमें एक बड़ी अच्छी काबिलियत है, ये सुनती बहुत ज़्यादा है महिलाओं की, जो भी आती थी यहाँ महिलाएं उनकी हम लोग को जब सुनना रहता था निराकरण करना रहता था तो ये बखूबी हमारी नीलम गुप्ता, ये तो हम जानते हैं ना। महिला विकास मंच इसीलिए साथ दे रही है क्योंकि हम जो आज तक काम करते आए हैं इनमें इस तरह का भागीदारी अगर इनका होता है तो आज हमारे हम लोग मतलब ट्रू सोशल वर्कर ये कहने की ज़रूरत नहीं, अगर कहेंगे तो अपने मुंह मियां मिट्टू कहलाएंगे, इसलिए बोल भी दिया मैंने और ये भी मैं बोली हूँ कि बोला नहीं। महिला उत्पीड़न की लड़ाई लड़ी जी, पुरुषों पे जो गलत हाँ दोनों पे किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ना राइट, और उसके लिए तैयारी हमने की हुई है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा सहयोग होगा क्योंकि हम तो ये लड़ाई लड़ते ही, अगर ये हम आ जाएंगी तो हमारे लिए उन सबको भ्रष्टाचारी को बाहर निकालने में एक बहुत बड़ा सहयोग होगा क्योंकि ये सक्षम है हर जगह, एक बोला ना मैंने ये काबिलियत है कि हर वार्ड में ये जाके ये महिलाओं के अंदर की बात निकाल सकती हैं। तो ये काबिलियत आपको इंटरव्यू देने में हो सकता है वो लड़खड़ा जाए बट ये काबिलियत इनमें बखूबी है, ये हमें पता है। इनकी काबिलियत से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और जो आज 40 साल प्रोफेसर जगन्नाथ जी ने जो ये टाइम दिया है, आपको नहीं लगता है ये कहीं ना कहीं नीलम जी के कारण ही कर पाए? आप पूरा घर छोड़ के आपने अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर दिया, आज आपके बच्चे बन गए, कैसे बने? ये इनकी मैनेजमेंट है ना, उसके बाद ये हमारे साथ भी 10 साल से कार्यरत भी हैं, तो ये मैनेजमेंट अब समाज के लोगों के लिए, पटना वासियों के लिए और इससे भी आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बिहार वासियों के लिए रहेगा, लेकिन अभी पटना वासियों के लिए इनसे अच्छी उप मेयर कोई नहीं मिले। तैयारियां अब तक है और कितना समर्थन जो है डॉक्टर नीलम गुप्ता जी पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर के पद पर महिला विकास मंच के समर्थित उम्मीदवार हैं जो पटना महानगर है उसके
उपाध्यक्ष हैं, तो महिला विकास मंच की जो बिना माननीय राष्ट्रीय संरक्षिका हैं उनकी टीम हमारे डॉक्टर नीलम गुप्ता जी जो मेरे घर पत्नी हैं और जो मैं 40 वर्षों से समाज का सेवा करते रहा हूँ, पटना में विभिन्न वार्डों में घूमकर, या कोरोना काल का समय हो या बाढ़ का समय हो या विकट की समस्या जो भी होती है, कई बार हमने महिला विकास मंच के साथ पुरुष के नाते महिला विकास मंच के साथ रहकर काम भी किया है। अब आज सौभाग्य है कि जो पटना नगर निगम डिप्टी मेयर का जो पद जो है, अति पिछड़ा महिला का जो पद हुआ, तो मैं तो टू में आता हूँ, लेकिन हमारी पत्नी अति पिछड़ा महिला में है और सौभाग्य से एक सीट जो है डिप्टी मेयर अति पिछड़ा महिला का हुआ। तो जो 45 साल का मेरे पास अनुभव है, नॉलेज है, ज्ञान है, समाज के लिए मैं कुछ किया हूँ, तो समाज के लोगों ने मुझे, मैं तो प्रोफेसर हूँ, राजनीति में भाजपा प्रदेश भाजपा के राष्ट्रपति के सदस्य हूँ, लेकिन पटना की जनता ने इतना प्रेशर दिया कि गुप्ता साहब अगर पटना नगर निगम में अति पिछड़ा महिला हुआ है तो सारे लोग, जितने भी महिला का पद जो है, मेयर का पद भी महिला है, जनरल महिला, तो जो पुरुष तैयारी कर रहे थे, लड़ने के लिए कर रहे थे, सारे लोगों ने अपने महिलाओं को उतारने का काम किया। हमारे साथ तो डॉक्टर नीलम गुप्ता जी काम करते रही हैं, मेहनत करते रही हैं, इनका अनुभव है, और अनुभव का लाभ मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, 2 वर्षों से मैं पटना नगर निगम के वार्ड नंबर एक आपको दीघा से लेके 72 वार्ड पटना सिटी दीदारगंज और 73, 74, 75 जो नेहरू नगर का पटना को निकाल फ्लोरा स्कूल का जो इलाका होता है, 75 वार्ड में हम 2 वर्षों से काम कर रहे थे। आज उसी का परिणाम है कि जहाँ भी जाता हूँ समर्थन के साथ डिप्टी मेयर के लिए, मेयर में तो बहुत तरह की भ्रांतियाँ भी है, लेकिन डिप्टी मेयर में लोग यही कहता है कि डॉक्टर नीलम गुप्ता जी के कैंडिडेट हैं, इनके अलावा कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नीलम जी MA हैं, BEd हैं, PhD हैं, समाज की सेविका हैं, कर्सों से काम करते आ रहे हैं, तो आज जो कैंडिडेट मिला है वो अच्छा कैंडिडेट है। हम निश्चित रूप से डिप्टी मेयर के पद पर जो भी होगा, हम डॉक्टर नीलम गुप्ता जी को जिताने का काम करेंगे, और पूरा पटना से सिटी से लेकर दिग्जा तक का समर्थन हमको मिल रहा है।